अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसके बाद ये इक्वेशन दी हुई है और इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो आपके पास एक कंडीशन आपने फाइंड करनी है, अगर आपके पास इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों, ठीक है। तो अगर आपके पास रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल है, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं हम। अब देखें, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है एम एक्स, इक्वेशन आपके पास क्या है, एम एक्स प्लस सी माइनस फोर ए, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर ले पहले, हाँ जी, ए का स्केयर फार्मूला लगाएं, ए प्लस बी होल स्केयर का, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी और माइनस फोर ए एक्स, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका स्केयर लें, एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू एम सी एक्स, एक्स वेरिएबल है इसलिए इसको मैंने बाद में लिख लिया है, माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्केयर की आपके पास जस्ट एक ही टर्म है, ठीक है, उसको नीचे उतार दें। एक्स की आपके पास ये टू टर्म्स हैं, तो हम क्या करें, इनमें से टू कॉमन आ रहा है और एक्स भी कॉमन आ रहा है। एक्स बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्स का कोफिशियंट बनेगा, ठीक है। टू कॉमन आ गया, पीछे रह गया एम सी, एक्स पहले बाहर निकाल चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना, माइनस टू टू ज़ा फोर ए, एक्स बाहर निकाल दिया, अब नहीं लिखना, प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एम स्केयर, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, टू एम सी माइनस टू ए, और सी की वैल्यू क्या है, सी स्केयर। अब आपको पता है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, इक्वल। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज ज़ीरो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, जीरो। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू ये है टू एम सी माइनस टू ए होल स्केयर, पूरी बी की वैल्यू लिखकर स्केयर, माइनस फोर ए की वैल्यू एम स्केयर और सी की वैल्यू सी स्केयर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको यहाँ से सॉल्व कर लें, टू का भी स्केयर लेना है आपने, क्या आएगा फोर, और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका भी आपने स्केयर लेना है, इस पर आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है होल स्केयर का, ठीक है। ए माइनस बी होल स्केयर, ये ए है ये बी है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ठीक है, और माइनस फोर एम स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद पहले ब्रैकेट तो सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, एम स्केयर सी स्केयर प्लस फोर ए स्केयर माइनस फोर एम सी ए माइनस फोर एम स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू जीरो। ये फोर सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ इसके साथ ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करें, फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा, फोर एम सी स्केयर प्लस सिक्सटीन ए स्केयर माइनस सिक्सटीन एम सी ए माइनस फोर एम स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये फोर एम स्केयर सी स्केयर इससे कट जाएगा, ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा, सिक्सटीन ए स्केयर प्लस माइनस सिक्सटीन एम सी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप क्या करें, इसमें सिक्सटीन और ए कॉमन निकालना, पीछे रहेगा ए माइनस एम सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें आपके पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सिक्सटीन ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो के इक्वल है। अब ये वाला तो ज़ीरो के इक्वल होगा नहीं, ठीक है। अगर ये ज़ीरो होगा इसका मतलब ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो नहीं है। अगर आप ये ज़ीरो लिख देते हैं ना, तो ए का आंसर ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो अगर इसमें पुट करेंगे सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये कंडीशन ज़ीरो नहीं हो सकती। लिहाजा ये दूसरी कंडीशन जो होगी ये ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि अगर इसमें ए ज़ीरो भी हो जाए तब भी ये बचता है, ठीक है। अब ए इज़ इक्वल टू एम सी इसकी क्या है, कंडीशन है जी। स्टूडेंट्स, आगे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं देन आपने ये प्रूव करना है कि ए ज़ीरो के इक्वल है, और ये कंडीशन भी आपने प्रूव करनी है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, ये भी आपने प्रूव करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, जो इक्वेशन आपको दी हुई है, ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये जो इक्वेशन के रूट्स हैं आपके पास क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब है कि आपके पास इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है।
ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, ये आपके पास ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशियंट होती है, ये है बी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी आपके पास कॉन्स्टेंट है, तो ये सारी वैल्यू किसकी होगी, सी की, ठीक है। सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी की वैल्यू आपके पास ये है बी इसके ऊपर स्केयर, यानी कि पूरी वैल्यू लिखने के बाद स्केयर माइनस फोर ए और सी, ये सी की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि माइनस का स्केयर लिया पॉजिटिव साइन हो गया, उसके बाद टू का स्केयर लेंगे वो क्या आएगा, फोर इज इक्वल टू हमने इसका स्केयर लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक दफ़ा होल स्केयर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, माइनस फोर। अब इस वैल्यू को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, सी स्केयर को बी स्केयर के साथ, क्या आएगा, बी स्केयर सी स्केयर प्लस माइनस माइनस ए सी स्केयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ए सी क्यू। अब माइनस प्लस माइनस ए बी क्यू माइनस माइनस प्लस ए स्केयर बी सी, उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर ए स्केयर, अब यहाँ पर भी हम होल स्केयर का फार्मूला साथ ही ओपन कर देंगे, तो क्या करेंगे हम, ए स्केयर का स्केयर आ जाएगा आपके पास प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ये हमने ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी माइनस फोर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, फोर बी स्केयर सी स्केयर, साथ ही इसका साइन भी चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस फोर ए सी क्यूब प्लस फोर ए बी क्यूब माइनस फोर ए स्केयर बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास है फोर, यहाँ पर पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, ए फोर प्लस बी स्केयर सी स्केयर माइनस टू ए स्केयर बी सी, और ये सारे टर्म्स एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, फोर बी स्केयर सी स्केयर प्लस फोर ए सी क्यू फोर ए बी क्यू माइनस फोर ए स्केयर बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद फोर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, फोर ए क्यू प्लस फोर बी स्केयर सी स्केयर माइनस फोर टू ज़ा एट ए स्केयर बी सी माइनस, ये सारे टर्म्स एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब इस स्टेप के बाद अगर आपके पास कुछ कटिंग हो रहा है तो हम कटिंग कर देंगे, जैसे कि फोर बी स्केयर सी स्केयर माइनस फोर बी स्केयर सी स्केयर के साथ कटिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम इसको और इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा फोर ए फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एट और फोर को ऐड करेंगे क्या आएगा, ट्वेल्व ए स्केयर बी सी, साथ ग्रेटेस्ट वैल्यू का साइन। इसके बाद एक ये टर्म बच गई है हमारे पास और एक ये वाली रह गई थी इक्वल टू ज़ीरो। अब इन सब में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, फोर ए, ठीक है। अब फोर ए हम सब में से कॉमन निकालेंगे, पीछे रह जाएगा ए क्यूब माइनस फोर थ्री या ट्वेल्व, एक ए बाय निकाल दिया, पीछे रह गया ए बी सी प्लस, ये फोर कॉमन निकाल चुके हैं, ए भी निकाल दिया, पीछे रह गया सी क्यूब प्लस फोर ए कॉमन निकाल दिया, बी क्यूब रह गया आपके पास, ठीक है। अब ये फोर ए इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये भी किसके इक्वल है, ज़ीरो के, ए क्यूब माइनस थ्री ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू फोर, इधर आकर डिवाइड होगा, ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो।